जी, तो आज के लेक्चर में हम लोग दूसरा फिजिकल क्लासेस में कंटिन्यू कर रहे थे थर्मामीटर्स को और थर्मोकपल्स को और टेम्परेचर सेंसर्स को। तो आज हम मजीद थोड़े से टेम्परेचर सेंसर्स को डिस्कस करेंगे और उनके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉमन एग्जाम्पल है जो ग्लास थर्मामीटर की है, जो हमारे पास सिंपल थर्मामीटर होता है। तो उसमें होता क्या है, अ कॉमन टाइप ऑफ थर्मामीटर इज अ लिक्विड इन अ ग्लास थर्मामीटर। द मटेरियल इन द कैपिलरी ट्यूब एक्सपैंड एज इट हीट्स। आम थर्मामीटर होता है उसका ये प्रिंसिपल इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है कि जैसे जैसे आप लोगों का मटेरियल जो है वो हीट होता जाता है, वैसे वैसे आप लोगों का जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग भी बढ़ती जाती है। तो बेसिकली जैसे जैसे आप थर्मामीटर के नॉब को हीट करते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है, नॉर्मली जो मरकरी होता है हमारे पास, वो हीट होता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपैंड होकर ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ठीक, तो लिक्विड नॉर्मली इसके अंदर या मरकरी होता है या अल्कोहल होता है हमारे पास। ठीक है, ये जो सिल्वर वाले होते हैं ज़्यादातर, जिनके अंदर सिल्वर लाइन होती है वो मरकरी वाले होते हैं, और जिनके अंदर रेड लाइन आ रही होती है ज़्यादातर वो अल्कोहल वाले होते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रेशर थर्मामीटर्स भी होते हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास नॉर्मली मुख्तलिफ फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में भी आपने देखे होंगे जहाँ पर लगे हुए। ये सिंपल हमारे पास एक प्रेशर थर्मामीटर है। ठीक है, इसके अंदर एक सेंसिंग बल्ब लगा होता है आपका एंड पे, और कैपिलरी ट्यूब के थ्रू और आपके पास वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के अगेंस्ट वो जो है आपका टेम्परेचर को है जो वो सेंस करता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रेशर थर्मामीटर होते हैं। और बायोमेटालिक सेंसर आपके पास क्या होते हैं, ऐसे सेंसर जो कि आपके पास थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर काम करें, वो हमारे पास बायोमेटालिक सेंसर होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंसर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन दैट डिफरेंट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज। ये सेंसर बेसिकली हमें क्या बताते हैं, डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स की जो कि हमारे पास है। दीज प्रॉपर्टीज आर मेनली मैकेनिकल इन नेचर। जो प्रॉपर्टीज जिनके बारे में वो हमें बताते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। बायोमेटेलिक सेंसर आपके पास बेसिकली ऐसे सेंसर होते हैं जो कि दो मेटल्स, दो डिफरेंट मेटल्स को बनाकर मिलते हैं। जिस तरह अब आपके पास इसका नाम ही आपको बता रहा है कि बायोमेटेलिक है, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर दो डिफरेंट मेटल्स लगे होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिप है। ठीक है, और ये एक एंड से दो स्ट्रिप्स हैं बेसिकली। एक हमारे पास मेटल वन की है, एक मेटल टू की है। मैं कहता हूँ लेट से मेटल वन मेरे पास कॉपर है, मेटल टू मेरे पास एलुमिनियम है, और इनको आपने एक एंड से फिक्स किया हुआ है। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम को फिक्स करते हैं ना, वैसे आपने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने नीचे कुछ कह लें या कोई बर्नर आपने लगाना है, कोई चीज़ लगानी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको एल्यूमिनियम वाली हिस्से को गर्म करना शुरू करते हैं, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। बेंड किस वजह से होता है, ठीक है, बायोमेटालिक सेंसर्स बेसिकली आपके काम करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा, हेडिंग में भी क्या था, थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। तो हमारे पास जो थर्मल कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन एल्यूमिनियम का है वो ज़्यादा है, और कॉपर का जो है हमारे पास कम। ठीक है, तो मेटल वन नॉर्मली जो हमारे पास लगा होता है वो हमारे पास ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन वाले का लगा होता है, और मेटल टू कम वाले का लगा होता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप किसी भी किस्म का लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, हीट पास होती है, तो आपका जो बायोमेटेलिक डिवाइस है आपका, वो उस जिस तरफ आपने स्विच लगाया होता है उस तरफ को वो बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो जब वो बेंड कर जाती है, तो उस बेंडिंग के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कितना वो डिफ्लेक्ट किया अपने ओरिजिनल पोजीशन से, आप आगे उससे पॉइंटर लगा के आप अपना टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं। तो बायोमेटालिक सेंसर जो है हमारे पास वो हेलिकल भी होते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल इन सबका सेम। और ये आपके पास ये स्फेरिकल में भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास दो मटेरियल्स आते हैं और भी कनेक्ट किए होते हैं, साइड बाय साइड कनेक्ट किए होते हैं। तो आपके पास जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है आपस में, दोनों एंड फिक्स होते हैं, पर दरम्यान से जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे आप करंट को अप्लाई करते हैं, तो वैसे वैसे आप लोग इसकी रीडिंग ले सकते हैं। तो सिंपल बायोमेटेलिक सेंसर के अंदर जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो ये कि ये दो डिफरेंट मेटल से बनता है, और दो मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि एक का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और एक का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है आपके पास कम होता है।
थर्मोकपल की टाइप्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी, हमारे पास टाइप के है, टाइप ई है, टाइप के है, टाइप एम है, टाइप बी है, टाइप आर है और टाइप एस है। तो ये मुख्तलिफ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के लिए सूटेड होते हैं, वो आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं आरटीडीज, रेजिस्टिव थर्मामीटर डिवाइसेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंसर इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट द डिफरेंट मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट रेजिस्टिव प्रोफाइल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, हमारे पास आरटीडीज बेसिकली किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि ये लोग, इनके अंदर हमारे पास जो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस चेंज करते हैं वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे वाइस वर्सा इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकती है। ये आपके पास ज्यादातर इलेक्ट्रिकल पर्पसेस, सॉरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, आरटीडी की हमारे पास। वो कहता है कि फॉर एन आरटीडी मेड ऑफ प्लैटिनम द टेंपरेचर प्रोफाइल इज क्वाइट लीनियर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर ओवर आर नॉट। डेल्टा आर आपके पास क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, आर नॉट क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू गामा नॉट, गामा नॉट आपके पास कोफिशिएंट है, और टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो टी आपके पास आपका जो न्यू टेम्परेचर है वो है और टी नॉट आपके पास ओरिजिनल टेम्परेचर जो है वो है। ठीक है, फॉर आरटीडी मेड ऑफ कॉपर द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय, उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपके पास जो आर नॉट का कोफिशिएंट है ये भी आपके पास वेरी करता है। ठीक है, और आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर रिलेशन ऐड हो जाता है कि गामा नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस गामा वन इंटू टी माइनस टी नॉट का जो स्क्वायर है आपके पास। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और इशूज क्या है आरटीडीज के अंदर, इंडस्ट्रियल आरटीडीज आर वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेसी कैन बी एज हाई एज प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमारे पास जो हाईली एक्यूरेट, जो जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है आरटीडीज की, उनको हम स्टैंडर्ड प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स कहते हैं, एसपीआरटीज कहते हैं। ठीक है, और इनकी जो हमारे पास एक्यूरेसी है वो 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड का है। लेकिन इसके अंदर स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन ऑन द वायरिंग ऑफ द आरटीडी ब्रिज कनेक्शन एज वेल एज सेल्फ हीटिंग व्हेन अ करंट इज सेंट थ्रू द आरटीडी। अब आपके पास आ जाते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर अ वर्ड फॉर्म बाय कंबाइनिंग थर्मल विद रेजिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर फैब्रिकेटेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमारे पास कौन से होते हैं, ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, उनको यूज करते हुए हम लोग बेसिकली एक ऐसा थर्मल रेजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर हम बनाते हैं कि जिसकी मदद से आप लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। The resistance of a thermistor decreases proportionally with the increase in temperature. RTD से इसका प्रिंसिपल वर्किंग बिल्कुल उल्टा है, जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो जो ऑपरेटिंग रेंज है, द ऑपरेटिंग रेंज कैन बी वाइड एज -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू +1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड रेंज के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये थर्मिस्टर्स के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ कर्व्स दी हुई हैं आप, आप देख सकते हैं। तो क्या कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे, तो उन एग्जांपल्स का भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज सर्किट एंड बी एबल टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस टू यूज ब्रिज टू मेजर लो लेवल वोल्टेजेस। ठीक है, पहला तो हमारे पास प्रिंसिपल ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है टू बी एबल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर फ्रॉम एन आरटीडी सेंसर, टू बी एबल टू कैलकुलेट द टेम्परेचर फ्रॉम अ थर्मिस्टर रीडिंग, to be able to calculate the temperature from a thermocouple reading, or to be able to understand the concept of a digital to analog and analog to digital converters and calculate quantization errors. तो ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रिज सर्किट है। ठीक है, तो ये ब्रिज सर्किट हमारे पास, हम ज्यादातर लो लेवल के वोल्टेजेस को, जिस तरह हमने थर्मिस्टर के अंदर या आरटीडी के अंदर थर्मोकपल्स के अंदर कोई वोल्टेज मेजर करना हो तो उनके अंदर जो वोल्टेजेस मेजर करते हैं वो हम ब्रिज सर्किट के थ्रू करते हैं। ठीक है, और ब्रिज सर्किट आप तब यूज कर सकते हैं जिस टाइम आपके पास ब्रिज सर्किट जो आपका है वो पूरा बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड से मेरी मुराद ये है कि ये आपके पास I1 और I3 और I2 और I4 में से जो करंट है वो सेम पास करंट है। ठीक है, और जब आपके पास ब्रिज बैलेंस होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इन केस ऑफ अ बैलेंस्ड ब्रिज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन बी एंड बी एफ सी के दरमियान, ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। तो अगर आप इक्वेशंस बनाएं अपनी केवीएल की, तो I1 R1 नोड ए के ऊपर अगर आप बनाएं तो I1 R1 माइनस I3 R3, और नोड डी पे बनाएं I2 R2 माइनस I4 R4।
और अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्रिज बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि I1 I3 के बराबर है और I1 I2 के बराबर है और I3 आपके पास I4 के बराबर है। तो अगर ये अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है वो क्या है, R2 और R1 इक्वल्स टू R4 ओवर R3। ठीक, एनी चेंज इन वन आर्म ऑफ द ब्रिज विल डिस्ट्रॉय दिस बैलेंस कंडीशन। ये थोड़ी सी भी अगर आप डिस्टरबेंस करेंगे तो आपका जो ब्रिज है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा। सपोज दैट अ वोल्ट मीटर ऑफ एन इनफिनाइट इम्पीडेंस आई जी इज यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि आई जी आपके पास एक वोल्ट मीटर है जिसकी इम्पीडेंस क्या है, जीरो है। और अगर इम्पीडेंस आपके पास जीरो है जिस वोल्ट मीटर से आप मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास I1 और I2 क्या है वो सेम है। ठीक है, तो आपके पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 R1 माइनस I3 R3। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, E0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और अगर आप देखें आप मल्टीपल इक्वेशंस लिख सकते हैं, तो आप अगर आप यहाँ आपके पास I1 की आप इक्वेशन लिखना चाहें तो वो आपको पता क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू जो टोटल वोल्टेज आपके पास ये EI आ रहा है, EI इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू EI ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरह आपने अगर I3 के लिए लिखना तो I3 इज इक्वल्स टू EI ओवर R3 प्लस R4। ठीक है जी, और ये भी याद रखिएगा आप कि आपके पास बैलेंस ब्रिज में I1 I2 के बराबर है और I3 I4 के बराबर है। ठीक है, तो इस इन वैल्यूज को यूज करते हुए आप लोग E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आपके पास आएगी EI इंटू R1 ओवर R1 प्लस R2 माइनस R3 ओवर R3 प्लस R4। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, जब आपके पास बैलेंस्ड है, हमने आपको क्या कहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अगर जीरो है तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब यह है कि E0 आपके पास क्या है, जीरो है। तो अंडर दिस कंडीशन सपोज दैट देयर इज अ चेंज इन R1। ठीक है, अब लेट्स से हम कहते हैं कि अगर हमारे पास R1 चेंज हो गई, R1 की वैल्यू चेंज हो गई है, वो क्या है, अब न्यू R1 आपके पास लेट्स से R1 डैश है और उसकी वैल्यू क्या है कि R1 प्लस डेल्टा R1, R1 के अंदर थोड़ा सा आपका चेंज आ गया तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो जो आपके पास नई इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, E0 इज इक्वल्स टू EI R1 डैश और R1 डैश प्लस R2 माइनस R3 ओवर R3 प्लस R4। ठीक है, और आप अगर एनालिसिस को सिंपलीफाई करना चाहें अपने, तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास चारों रेजिस्टेंसेस बराबर हों और वो R के बराबर है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएंगे, डेल्टा ई चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल्स टू डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर ओवर 4 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू ई आई। तो ये सिंपल आप लोग इसके अंदर अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे और एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो ये इक्वेशन बनती है आपके पास, और डेल्टा आर यहाँ से अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन से निकालना चाहें तो दैट विल बी 4 डेल्टा ई ओवर ई आई माइनस 2 डेल्टा ई ओवर 2 आर। तो ये रिलेशन हमें याद रहने चाहिए और इनको यूज करते हुए अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हमारे पास पहला न्यूमेरिकल आ गया कि एन आरटीडी इज कनेक्टेड इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन अंडर अ बैलेंस्ड कंडीशन। द पैरामीटर्स आर गिवन एज फॉलोज, R2 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू 500 ओम्स और R1 आपके पास 100 ओम्स है। द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ऑफ आरटीडी अल्फा आपके पास कितना है, 0.00395 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चार रेजिस्टर हैं आपके पास, R2 R3 R1 और आरटीडी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, क्वेश्चंस क्या है आपके लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरटीडी अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस्ड कंडीशन में आरटीडी की वैल्यू आपको निकालनी है। एज टेम्परेचर चेंजेस इट इज फाउंड टू दैट द न्यू बैलेंस द वैल्यू ऑफ आवर R1 इज, R1 की जो वैल्यू नहीं है आपके पास वो है 103.95, पहले क्या दी हुई 100 और नई वैल्यू क्या है 103.95। ऑल्सो डिटर्मिन द चेंज इन टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट क्या है आपके पास कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरटीडी अंडर द बैलेंस्ड कंडीशन। आपको पता है कि अगर बैलेंस्ड हो आपके पास सर्किट तो R1 ओवर RTD और R2 ओवर R3 बनता है आपके पास। ठीक,
आर वन की वैल्यू आपको पता है 100, आर टू और आर थ्री की 500, तो आपके पास आर टी डी की वैल्यू क्या आ गई है, 100 आ गई। ठीक, पार्ट बी क्या है कि वो कहता है कि टेम्परेचर आपके पास चेंज किया है लेट्स से 100 से 103 पे, तो आपके पास टेम्परेचर की नई वैल्यू क्या है। तो ये थर्मिस्टर का जो रिलेशन हमने पीछे पढ़ा है आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, सॉरी आर टी डी का जो रिलेशन हमने पढ़ा है पीछे, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से हम लोग बेसिकली डेल्टा टी हमको निकालना है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर अल्फा इंटू आर माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट। ठीक है, तो आपके पास आर नॉट भी गिवन है, आर भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ दी हुई है आरटीडी की, निकल की, कॉपर की और प्लैटिनम की दी हुई है, तो इसको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। फॉर आरटीडी मेड ऑफ प्लैटिनम द टेंपरेचर प्रोफाइल इज क्वाइट लीनियर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा आर ओवर आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट टी माइनस टी नॉट, और फॉर आरटीडी मेड ऑफ कॉपर द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय डेल्टा आर ओवर आर नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट टी माइनस टी नॉट प्लस अल्फा वन टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको बात पहले भी बताई है जहाँ हम आरटीडी डिस्कस कर रहे थे। अब एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई है कि अ प्लैटिनम आरटीडी इज कनेक्टेड एज वन आर्म ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज एज शोन इन द स्लाइड, द फिक्स्ड रेजिस्टर आर टू एंड आर थ्री आर 25 ओम्स, द आरटीडी हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आरटीडी इज 0.00395 डिग्री सेंटीग्रेड। As temperature is made by placing as temp a temperature measurement is made by placing the RTD in the measuring environment and balancing the bridge by adjusting R1 to a new value of 37.36. It determines the temperature of the measuring environment. तो आप लोगों को temperature निकालना है इसके अंदर, ठीक है? Balance condition में आपको पता है RTD क्या होता है? RTD is equals to R1 into R3 over R2. और आपको पता है कि आपके पास प्लैटिनम का है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा आर ओवर आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा इनटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर आपको नहीं दिया हो तो वो आपके पास क्या है, जीरो है। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, आर नॉट प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, R naught is the value of the RTD at 0 degree of centigrade और alpha is equals to आपके पास क्या है, alpha naught, ठीक है, at T naught, तो T naught भी आपके पास 0 है, initial temperature, also here R naught is equals to 25 ohms and the value of RTD at T, जो कि new temperature उसने last slide में दिया था आपको, वो क्या है, R naught plus delta R is equals to 37.36 ohms, ठीक है? तो सारी वैल्यूज को अगर आप इक्वेशन में पुट करें इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास डेल्टा आर वाली ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर अगर आप पुट करें तो आपके पास टेम्परेचर टोटल सॉल्व करके क्या आता है, 125.16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब थर्मिस्टर्स के लिए हम करने लगे, तो द मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिस्क्राइबिंग अ थर्मिस्टर ऑफन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आर इज इक्वल्स टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है आपके पास, बीटा और 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी नॉट। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये जिस तरह हमने थर्मिस्टर्स पढ़ते हुए पढ़ा है, तो आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट टी नॉट एंड वी इज अ पैरामीटर रेंजिंग फ्रॉम 3500 टू 4600। ठीक है, एंड बीटा इज अ पैरामीटर रेंजिंग फ्रॉम 3500 टू 4600। तो आपके पास एग्जाम्पल क्या आ गई, थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू 20,000 ओम्स, द मटेरियल कांस्टेंट बीटा फ्रॉम दिस थर्मिस्टर इज 4000, इफ द थर्मिस्टर इज देन यूज्ड टू मेजर अ पर्टिकुलर रेंज एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड एज 500 ओम्स, डिटरमिन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर बीइंग मेजर्ड। तो आपने टेम्परेचर बेसिकली निकालना है, वैल्यूज आपको सारी दे दी है उसने, ठीक है? तो बेसिक इक्वेशन आपके पास क्या है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी नॉट। ठीक है, तो आपको 1 ओवर टी बेसिकली निकालना है, तो आप लोग अगर एक्सपोनेंशियल को खत्म करना है तो आप लोग लॉग लेंगे, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, तो 1 ओवर टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा लॉग ऑफ आर ओवर आर नॉट प्लस 1 ओवर
T0, ठीक है। और अगर आपको खाली T निकालना है तो आप इस तरह से प्रोपर लेंगे क्वेश्चन को, और आप ये सारी वैल्यूज अपुट करेंगे तो टेम्परेचर आपके पास क्या आएगा, 110.159 डिग्री सेंटीग्रेड।